नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 3 दिन के निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे की खासियत यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस इकाई के पदाधिकारियों को औपचारिक रूप से इस दौरे की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी के दौरे में स्पष्ट निर्देश थे कि उन्हें रिसीव करने के लिए कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी ना जाए, इसलिए उत्तराखंड कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी देहरादून एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति की आवश्यकता तो होती ही है, और वरिष्ठ कांग्रेसी जन उनमें से कौन होगा इस बात को लेकर राहुल गांधी ने शायद काफी मशक्कत की होगी और गणेश गोदियाल के नाम को उन्होंने चुना। गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और इन सबसे बड़ी बात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वो अध्यक्ष रह चुके हैं और उस समय अध्यक्ष थे जिस समय उत्तराखंड भीषण आपदा से ग्रसित था। 2013 की वो घटना है, इसलिए शायद गणेश गोदियाल को ही राहुल गांधी ने चुना और गणेश गोदियाल उनके साथ केदारनाथ धाम में है। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में ही राहुल गांधी को रिसीव किया। राहुल गांधी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं केदारनाथ धाम में। खबर है कि योग ध्यान राहुल गांधी अगले 3 दिनों तक, या कह लीजिए बचे हुए 2 दिनों तक केदारनाथ धाम में करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी 2013 में भी आपदा के बाद जब यात्रा शुरू हो रही थी उस समय भी 2014 के शुरुआत में ही पहुंच गए थे, यात्रा खुलने से ठीक पहले जब हरीश रावत की सरकार तैयारियों में जुटी हुई थी, तो राहुल गांधी ने ब्रांड एम्बेसडर का काम किया था कि केदारनाथ धाम में सब कुछ सामान्य है। और राहुल गांधी उस समय पैदल यात्रा करके गए थे 20 किलोमीटर की। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक संदेश दिया था, ठीक ऐसे ही संदेश जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों किसी भी क्षेत्र में जाकर जब पूजा पाठ करते हैं तो एक संदेश दे देते हैं। कुछ दिन पहले ही आदि कैलाश की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उनके आगमन के ठीक बाद राहुल गांधी का केदार धाम में यह दौरा कई सारी बातें कह रहा है। कई राज्यों में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं और उससे ठीक पहले राहुल गांधी का ये उत्तराखंड का या केदारनाथ दौरा काफी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे राहुल गांधी के दौरे पर कांग्रेसी नेताओं ने क्या कहा और राहुल गांधी जिन तीर्थ पुरोहितों से मिले उन्होंने क्या कहा, इन दोनों बातों को आप सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और वहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे, पंडा पुरोहितों से मिलेंगे, अन्य लोगों से मिलेंगे, जो यात्री आएंगे उनसे मिलेंगे। क्या स्थिति जैसा 2013 में उन्होंने केदारनाथ को देखा था त्रासदी के बाद, आज क्या स्थिति केदार की है, बाबा केदार के दरबार की है, उस सब का अवलोकन करेंगे। आज भी हमें वो आपदा का दिन, आपदा का समय याद है जब राहुल गांधी जी आपदा मतलब 30 किलोमीटर सोनप्रयाग से यहाँ था और उस समय भी राहुल गांधी जी पैदल चल के वहाँ से केदारनाथ पहुँचे और जैसे ही वो पहुँचे लोग आपदा को भूल गए और राहुल गांधी के पीछे सारा देश केदारनाथ की ओर बढ़ चला। तो आपने सुना कांग्रेसी पदाधिकारी मथुरा दत्त जोशी किस तरीके की बात कर रहे थे, कितने उत्साहित कांग्रेसी जन है, और जो तीर्थ पुरोहित समाज है केदार धाम का वो कितना उत्साहित है। उन्हें वो सारी बातें याद हैं जब 2013 की आपदा के बाद इस क्षेत्र में पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए और पूरे देश भर की श्रद्धालुओं को, जनता को एक संदेश दिया गया कि अब यात्रा सुरक्षित है। तो उस मैसेज को देने का बड़ा काम राहुल गांधी ने किया था। अब देखना यह है, भगवान केदारनाथ की शरण में राहुल गांधी आए हैं। इससे पहले राहुल गांधी अमृतसर स्वर्ण मंदिर भी गए थे। ये राहुल गांधी का एक तरीके से औचक दौरा है, ये कह सकते हैं कि भगवान के चरणों में कोई प्रार्थना लेकर
अपने लिए समय निकालकर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और स्थानीय इकाई को इन पूरे कार्यक्रमों की औपचारिकताओं से दूर रखा गया है। इसका कितना फायदा राहुल गांधी की इमेज को होगा, कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में होगा और राहुल गांधी की इमेज को पूरे देश भर में होगा। राहुल गांधी जब केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे उसकी चर्चा पूरे देश भर के मीडिया में होगी और जहां जहां चुनाव है वहां पर भी इस दौरे की चर्चा होगी, तो राहुल गांधी भी एक संदेश देने में शायद कामयाब हो जाएंगे कि भगवान केदारनाथ धाम के वो परम भक्त हैं। देखना यह होगा कि बाबा केदारनाथ कितनी मुराद राहुल गांधी की पूरी करता है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।